गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर एम एस अली फ्रॉम सारण बिहार। आपने कहीं ना कहीं दो तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे, एक आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करके और एक 2+V1 का इस्तेमाल करके। और आपके मन में ये कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होती होगी कि यार कौन सा लगा दूँ मैं, 2+V1 लगा दूँ या आईएनजी फॉर्म लगा दूँ। मैं आपको बोलूँगा कि आप दोनों लगा दो, तो फिर आप कहोगे कि ये क्या बात हुई। मैंने बोलूँगा कि बिल्कुल सही बात हुई। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनके साथ हम 2+V1 भी लगाते हैं और डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी एक का यूज इन्फिनिटिव के रूप में करते हैं और दूसरे का यूज जेरंड के रूप में करते हैं। तो फिर आप कहोगे कि सर जी, ये इन्फिनिटिव और जेरंड किस चिड़िया का नाम है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इन सब के बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो डोंट वरी, मैं आपको देसी तरीके से बताता हूँ कि इन्फिनिटिव क्या है और जेरंड क्या है। इन्फिनिटिव कहने का मतलब है 2 के साथ जो V1 आती है ना, वो आपकी इन्फिनिटिव होती है। और डायरेक्ट जो V4 आती है ना, वर्ब के बाद, किसी भी वर्ब के बाद डायरेक्ट V4 आ जाए, ING फॉर्म आ जाए, तो समझना कि वो जेरंड है। तो अब आपको मैं 3 ऐसी वर्ब्स बताने वाला हूं जो इन्फिनिटिव के रूप में भी और जेरंड के रूप में भी, यानी दोनों रूपों में आप उसका ट्रांसलेट कर सकते हो, दोनों रूपों में आप उसका अनुवाद कर सकते हो। सो देर न करते हुए शुरू करता हूं आज का ये लेसन। और आज के लेसन में आप 3 ऐसी क्रियाओं के बारे में जानोगे जिनका यूज आप दो तरीके से करोगे। सबसे पहला वर्ड जो है, यानी सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, मुझे टहलना पसंद है या मैं टहलना पसंद करता हूँ। ठीक है, मुझे टहलना पसंद है या मैं टहलना पसंद करता हूँ, आप इसको दो तरीके से बनाओगे। पहले कि मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ, इतना बना लो। ठीक है, तो आई लाइक, यानी मैं पसंद करता हूँ या मुझे पसंद है। अब क्या, तो टहलना, तो यहाँ पर 2 वॉक हमने किया इन्फिनिटिव मानकर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2+V1 आप करोगे तो वो इन्फिनिटिव रहेगा। तो पूरा का पूरा सेंटेंस हुआ आई लाइक टू वॉक, मुझे टहलना पसंद है। आई लाइक टू गो, मुझे जाना पसंद है। आई लाइक टू कम, मुझे आना पसंद है। आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है। आई लाइक टू ड्रिंक, मुझे पीना पसंद है। ऐसे आप लाखों सेंटेंसेज फ्रेम कर सकते हो। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं कि लाइक के बाद बिना 2 दिए डायरेक्ट ING हम लगा देंगे। जैसे कि मुझे टहलना पसंद है या मैं टहलना पसंद करता हूँ, तो दूसरा तरीका है आई लाइक वॉकिंग। आई लाइक वॉकिंग, हमने 2 नहीं दिया और ना ही वॉक किया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम जेरंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए दोनों तरीका सटीक तरीका है, दोनों तरीका सुटेबल तरीका है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, लेकिन सबसे बेहतर लगता है ये ING फॉर्म, यानी जेरंड फॉर्म जो होता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट भी लगता है। आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक गोइंग, आई लाइक ईटिंग, आई लाइक ड्रिंकिंग, बहुत ही शॉर्ट है। ठीक, अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। ये तो था कि पसंद है या पसंद करता हूँ, तो आपने लाइक टू या लाइक प्लस बिफोर लगाया। लेकिन जब बहुत पसंद है या बहुत पसंद करता हूँ, करते हैं, करते करती हूँ, ऐसा कुछ दिखे, तो आपको लगाना होगा लव टू या लव प्लस V4। कैसे, देखते हैं। मुझे गाना बहुत पसंद है, तो पहले हम बनाएंगे कि मुझे बहुत पसंद है, तो आई लव, मुझे बहुत पसंद है। ओके, यहाँ भी मुझे बहुत, मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो आई लव। अब हम बात करते हैं कि भाई दो तरीके से कैसे बनाएं। तो सिंपल तरीका है कि मुझे बहुत पसंद है के लिए आई लव लिख दिया आप, गाना टू सिंग इन्फिनिटिव के रूप में। ओके, आप 2 लगाओगे तो V1 दोगे। लेकिन आपने ये जो सेंटेंस बनाया है कि आई लव, इसका भी मतलब है कि मुझे बहुत पसंद है या मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो क्या, गाना। तो यहाँ पर 2 का यूज़ ना करके आप डायरेक्ट ING फॉर्म का यूज़ कर दोगे, सिंगिंग। यानी उधर आपने 2 सिंग किया था, इधर आपको सिंगिंग करना होगा। ओके, आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, यू लव गोइंग, शी लव्स कमिंग, वी लव ड्रिंकिंग, यू लव हेल्पिंग द पुअर। इस प्रकार से आप लाखों सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो 2+V1 और डायरेक्ट ING फॉर्म के द्वारा। अब हम सबसे अंतिम सेंटेंस को नहीं बल्कि तीसरे सेंटेंस को देखते हैं कि उससे सफ़र करना बहुत पसंद है या उससे सफ़र करना बहुत पसंद आता है या वह सफ़र करना बहुत पसंद करती है। जो भी हो, बस बहुत पसंद आए ना, तो आपको लव क्रिया का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट मिले, तो आपको एस लगाना होगा, लव को लव्स कर देना होगा। जैसे कि उसे सफ़र करना बहुत पसंद है, तो शी, यहाँ पर मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। देखो, आप यहाँ पर देखकर पता कर सकते हो, सिर्फ यहाँ देखते कि उसे सफ़र करना बहुत पसंद है। अगर यहाँ तक सिर्फ होता तो यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ से पता चला है कि भाई किसी फीमेल की बात हो रही है। ठीक, तो उसे बहुत पसंद है, इतना बना लो, शी लव्स, उसे बहुत पसंद है। ही, शीट के साथ एस लगता है, आपने पढ़ा होगा। ओके, तो उसे बहुत पसंद है, शी लव्स, या वह बहुत पसंद करती है तो भी शी लव्स। ओके, क्या, सफ़र करना, तो सफ़र करने की इंग्लिश होती है ट्रैवल, तो आप करोगे टू ट्रैवल। अगर आप 2 नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, आप मत करो 2, लेकिन ट्रैवल को ING करोगे, ट्रैवलिंग। ओके, शी लव्स ट्रैवलिंग, यानी शी लव्स टू ट्रैवल या शी लव्स ट्रैवलिंग।
और सबसे अंतिम सेंटेंस की बात करें तो सबसे अंतिम सेंटेंस है कि तुम्हें पैसा कमाने की ज़रूरत या आवश्यकता है, है ना, या तुम्हें पैसा कमाने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। अब इसको मैं दो तरीके से बनाता हूँ आपको। पहला कि तुम्हें ज़रूरत या आवश्यकता है, तो आप बनाओगे यू नीड, यू नीड, तुम्हें ज़रूरत या आवश्यकता है, यू नीड। ओके, फिर यहाँ भी हमने किया यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है या आवश्यकता है, क्या क्या पैसा कमाना, तो पैसा कमाने की इंग्लिश होती है अर्न मनी। ओके, तो हम इनिफिनिटिव के रूप में कर देंगे टू अर्न मनी, और जेरंड अगर बनाना चाहेंगे तो टू को नहीं देंगे, अर्न को बना देंगे अर्निंग, अर्निंग मनी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी ऐसी तीन क्रियाएं जो आप दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हो, एक इन्फिनेटिव के रूप में और एक जेरंड के रूप में। दोनों तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन जो जेरंडियल जो तरीका है यानी जेरंड वाला जो तरीका है वो ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा सुटेबल भी लगता है और ज़्यादा शॉर्ट भी लगता है। स्पीकिंग के दौरान आप जेरंड वाले का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव भी लगेगा। ये वीडियो आपको जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, लाइक वाइक करना या ना करना, लेकिन अगर पढ़ाने के तरीके पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बड़े ही आसानी से पहुंच सके और आपको ज़्यादा कष्ट झेलने की जरूरत न पड़े, बस आप उसे तुरंत देख पाओ और कुछ ना कुछ सीख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, एन्जॉयफुल हो एंड एजुकेटिव ही हो।